अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। भिवंडी के एजुकेशन फील्ड में उभर रहा है नया नाम NSIT, जहां SSC और HSC स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण अब तक 100 से ज़्यादा NSIT स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेहतरीन टीचर स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं। पता है फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। भिवंडी के आगरा रोड कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पास सड़क पर 8 से 10 इंच के गड्ढे हो गए थे, जिस पर द वॉइस ने न्यूज कवर कर प्रशासन को जगाने का काम किया था। इस पर आज कार्रवाई करते हुए भिवंडी महापालिका के प्रभाग 3 के अधिकारियों के आदेश पर सड़क के गड्ढे बुझाने के लिए मिट्टी डलवाई जा रही थी, जिसका जनता ने कड़ा विरोध किया। उसके बाद महापालिका ने JCP द्वारा सड़क को लेवल करवाया और गड्ढों में खड़ी डलवाई। भिवंडी मेडिकल स्टूडेंट फाउंडेशन की जानिब से वुमेन्स कॉलेज में रखा गया था SSC टॉपर्स के लिए फेलिसिटेशन का प्रोग्राम, जहां भिवंडी की 27 स्कूल से 218 बच्चों को इनवाइट कर फेलिसिटेट किया गया। साथ ही स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस के लिए भी बहुत सारी बातें समझाई गई। होली मेरी कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट कृषि संजय चौहान ने 97.20% के साथ पूरे भिवंडी शहर में किया टॉप। आज सुबह से भारी बारिश के चलते भिवंडी के कई इलाकों में हुआ जल जमाव। 3 बत्ती मार्केट, गुलजार कोल्ड ड्रिंक, नजराना कंपाउंड, अंजूर फाटा, सिल्वर लीफ, देवनगर, गैबी नगर, औलिया मस्जिद जैसी कई जगहों पर सड़कों, दुकानों और घरों में घुसा बारिश का गंदा पानी। इस पर भिवंडी की जनता करोड़ों रुपए से हुई नाला सफाई के ऊपर उठा रही है कई सवाल। भिवंडी महापालिका ने आह्वान जारी किया है कि आने वाली बकरी ईद को अनधिकृत कुर्बानी सेंटर पर बड़े या छोटे जानवर की कुर्बानी ना करें, जिससे कि गंदगी ज्यादा होती है और साफ सफाई में भी दिक्कत आती है। ऐसा करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। सूचना यह है कि कई सालों से भिवंडी शहर में टेम्परेरी कुर्बानी सेंटर में कुर्बानी होती आई है, जिसकी महापालिका को फीस देकर सारा वेस्टेज साफ करवाया जाता है, तो अब दिक्कत क्या होने लगी। भिवंडी ग्रामीण के झिड़के गांव में बंटी ढाबे के पास भिवंडी क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 युवकों को 4 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर झिड़के गांव में पहुंचकर अमित छिड़के और सोनू गुप्ता को हथियार समेत किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। आज असेंबली सेशन के दौरान भिवंडी ईस्ट के आमदार रई शेख ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे मेरे पड़ोस के गांव से है। वहीं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कोई बात सुनी नहीं जाती थी, हमारे विरोध में लड़े हुए लोगों को उनके पत्र पर 10 करोड़ फंड सेंक्शन करके दिया जाता था। साथ ही रई शेख ने अबू आसिम आजमी को मिलने वाली धमकी पर भी आवाज उठाते हुए कहा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन द्वारा कोंकण रीजन के रोहा में नौजवानों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हेल्थ जिम खलीफा बनाया गया, जिसका उद्घाटन मुंबई के जाने माने एजुकेशन स्पेशलिस्ट मुबारक कापड़ी के हाथों से किया गया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन न सिर्फ मेमन कम्युनिटी बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए नेक कार्य में हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर का कहना है कि कौम में मजबूती ऐसे सामाजिक कार्यों से ही आती है। आज महाराष्ट्र असेंबली में एकनाथ शिंदे और BJP गठबंधन की सरकार ने फ्लोर टेस्ट किया पास। एकनाथ शिंदे की सरकार को 164 वोट मिले, वहीं महाविकास आघाड़ी को 99 वोट मिले। अब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं NCP के नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट कास्ट करने सदन नहीं पहुँच पाए। मुंबई के सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल, मई और जून महीने के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर से वसूले 103 करोड़ रुपए का फाइन। पिछले साल इन्हीं महीनों में ये रकम महज 31 करोड़ 60 लाख रुपए थी, जिसमें इस साल 227% की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने यात्रियों से निवेदन किया है कि कृपया करके सही टिकट के साथ ही यात्रा करें। आज सेंसेक्स 326 अंकों की बढ़त के साथ 53,234 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ 15,835 पर हुआ बंद। गोल्ड 52,150 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 57,800 और क्रूड ऑयल 8,723 पे ट्रेड करते हुए।